बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना बुद वैया कना स्ताइन। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है मेरे सारे वीरां दा? ते मैं तुहाडा अपना वीर राणा जावेद। ते रजब साहब तशरीफ लाए ने। रजब साहब दे मामू जान वफात पा गए सन पहले, ते इन्हां नाल ताज़ियत करने। अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश फरमाए ते इन्हां नूं सबरे जमील अता फरमाए। ते बाकी इन्हां जिहड़ा साडे नाल वादा कर गए, इन्हां वादा खिलाफी ते इन्हां कीती है काफ़ी सारी, क्योंकि मैं इन्हां नूं कहा सी रजब साहब तुसीं जनाजा पढ़ के कुलां दा खत्म करवा के तुसीं वापस आ जाना, तो दसवें तो फिर तुसीं चले जाना। लेकिन साडा चूंकि फिर इत्थे निज़ाम नहीं चलता ना, तो असीं इहदी वजह से कोई दूसरा बंदा रख सकते हैं। दूसरा बंदा अर्जी तौर पर तो लभदा नहीं, अगर दूसरा बंदा रख भी लईए तो फिर उन्हों ये आने के जवाब देिए तो फिर भी गैर इंसानी गल है, जी गैर अखलाकी गल है, इस तरह असं कर नहीं सकते। ये तो रजब साहब तुम पहले यह दसो, चलो तो एक खुदाई काम से हो गया, लेकिन तुम अपनी कमिटमेंट तो क्यों नहीं पूता पूरा उतरे, तुम क्यों नहीं आए? मैं तो दरअसल ना 2 दिन बाद वापस आने थोड़ा लगा। जोर दी बोला ताकि सुनने वाले ने पता भी लगे। मैं ना दरअसल 2 दिन बाद ना वापस आने दिया सोच रहा कि मैं बाहर वापस टूर जाना, लेकिन 2 दिन बाद मेरे मामू जी तो फोत हुए ना, उस तो 2 दिन बाद ही ना मेरा एक कजन फोत होया। उन्होंने होया सी एक्सीडेंट, वो कोई बाबा दिन दो ना मैं होस्पिटल दाखिल सी, उन्होंने दिमाग का ना ऑपरेशन उन्होंने किया डॉक्टर ने, तो वो इस वजह तो उन्होंने को सही नहीं होया, तो अल्लाह नूं प्यारा हो गया उस तो। 2 दिन बाद वो फोत हो गया, तो फिर उधर भी भज दौड़ होगी, तो इस वजह तो 2-4 दिन होर लग गए। चलो ये गल चलो ठीक होगी, लेकिन तू मैं यह दस तू जो चला जाना उत्थे, इत्थे तो बड़े वादे शादे कर, तू उ फोन क्यों नहीं चुकता साडा किसी बंदे का भी? तेन फोन मेरा तो तू कम से कम फोन ही नहीं चुकता। मैं कोई शोरूम दे चीज़ा नहीं नज़र आ रही मैंने जी तेरे मुतलक होंगे ने, मैं वो चीज़ा ढूंढदा मैं नहीं लभदियाँ, मैं तेनों ही कॉल करनी, तू मेरा फोन ही नहीं चुकता, यदि की वजह? नहीं नहीं फोन तो मैं चुकना, लेकिन बाद होंगे कि फोन मेरा घर पिया हों, मैं बाहर निकलिया हूं फोन इन्ना मैं कोल भी नहीं दरअसल रखता। तू जो आना तेन पता तो लगता है ना कि कॉल आई है, तो नहीं गल तू एडी से चलाकी ना ला होने के तेन पता ही नहीं लगता, तेन पता लगता मैं कॉल की है साजा साहब की है दूसरे बंदे की, तू फिर बंदा आके कॉल कर दे हूँ तू सू फोन करे असि ना चुकी बाद ची वेख रहे शायद कोई परेशानी है ता कर मैं रात अद्धी रात भी करते मैं चुक लेना फोन तेरा, तू क्यों नहीं चुकता है की मसला? नहीं मैं वापस आ गया, अगर वेख लगा फिर मैं कॉल वापस बैक करा। यह बिल्कुल जी गैर अखलाकी हरकत होंगी है, कोई किसी ने तेन फोन हूँ तेरे नाल मैं कोई गप्पां ते लानी है, मैं किसी काम वास्ते फोन करना है, तू काम के टाइम भी अगर मेरा फोन नहीं चुकता मैनू जवाब ही नहीं दिंदा, जी चीज़ा ना तेनों पता शोरूम से कितने पईआं ने मैनू तो नहीं पता, मैं नहीं दस सकता कितने ने, ते तू फोन नहीं चुकता अल्लाह दे बंदे। लो जी यह तो होगी रजब नाल जो हुई बीती गुफ्तगू, तो अज तुहाडे वास्ते गड्डी लै गए असीं जनाब 2018 मॉडल होंडा सिटी आटो ट्रांसमिशन है और 1300 cc गड्डी है, बहुत ही जबरदस्त गड्डी है और आटो ट्रांसमिशन तुम्हें पता आटो गड्डी अजकल लोग बड़िया लाइक करते हैं, अज इस गड्डी का तुम रिव्यू करवावे, तो उम्मीद करने तुम गड्डी इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी, बहुत अच्छी गड्डी है, माइनर जी टचिंग ये है वे थोड़ी थोड़ी, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है और उस तरह की कोई जी कोई वजी भजी नहीं है गड्डी जिन्होंने शोरूम की जबान च कहें, तो बहुत अच्छी गड्डी है इंशाल्लाह ताला तुहानू इहदा जिहड़ा ना रिव्यू करवाउंदे आ। तो जिहड़े दोस्तों हाली तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता उह सबसक्राइब करो और बैल आइकान का बटन प्रेस करो, ताकि हर नवी आने वाली वीडियो जिहड़ी है उह तुहानू मिलदी रहे। अज चूंकि रजब साहब थोड़े परेशानी दे आलम च आए ने वापस होण, इहनां कोलों मैं ना तो इहनां कोलों अदायगी हो रही अल्फाज़ ते ना ही एड्डी उह चुलबुली गुफ्तगू कर सकदे ने, इंशाल्लाह जिहड़ी नैक्सट किसी गड्डी दा रिव्यू करावांगे उहदे च रजब साहब तुहानू अपने पुराने अंदाज दे विच ही नज़र आणगे, ते हुण तुहानू असीं गड्डी दा रिव्यू करवाने आ, साडे नाल जुड़े रहिया जी। जी गाड़ी की लुक चेक करें,
माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ी है जी। अपनी टोटल सीलूस बैक साइड से चेक करें गाड़ी, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। गाड़ी का मीटर शीटर चेक कराते हैं आपको, करते हैं स्टार्ट गाड़ी। बिस्मिल्लाह ले जी, माइलेज इसकी जनाब 53,531। जूम करके दिखाता हूँ आपको आप ताकि चेक कर सकें, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का जनाब अपना सिस्टम लगा हुआ इसके अंदर, गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी गाड़ी। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आरजे मोटर सियालकोट कैंट पे तशरीफ़ लाएं। गाड़ी की डिमांड है 36 लाख रुपए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप यूट्यूब के तवस्सा से हमारे साथ रब्ता करते हैं तो आपको मज़ीद डिस्काउंट दी जाएगी। वैसे ही प्राइस जो है नेगोशिएबल है, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद हैं, आप आरजे मोटर ख्वाजा सफदर रोड सियालकोट कैंट पे तशरीफ़ लाएँ। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो जो हमने गाड़ी का रिव्यू करवाया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए रोज़ नई से नई गाड़ियाँ लेके आते रहेंगे और इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएँगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये एक गाड़ियों पर हम जो है ना ये इस चैनल को नहीं छोड़ सकते कि सिर्फ गाड़ियाँ आपको दिखाएँ। हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए और भी बहुत सी खूबसूरत कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें और कोई इस तरह का कंटेंट जो है ना वो लेके आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। रजब साहब तुम की कहना चाहते हो अपने व्यूअर्स को? मैं इन्हों कहना चाहना वा कि साड़ी वीडियो वेख लो, इन्नी मेहनत करके मतलब असं वीडियो बनाने तो साड़ी वीडियो नू शेयर करया करो, सबसक्राइब करया करो ते ताकि साडा वाच टाइम वेख्या करो, अगले शेयर करया करो ताकि साडा वाच टाइम पूरा हो जाए, क्योंकि असं इन्नी मेहनत करने काम तो साडा उंज भी चलता है तुहाड़े वास्ते, असं मेहनत करने नहीं कि अगर तुम वो बद नवी तो नवी वीडियो कोई वेख सको साड़ी, असं जी इन्नी मेहनत करने साडा तुसी जिहड़ा कोई मतलब साड़ी साड़ी ओ वे जिहनूं कहिंदे ने कि बहुत सारे मौजूद बनावांगे इंशाल्लाह ताला। साडे चैनल दा वाच टाइम मुकम्मल हो जाए, मोनेटाइज हो जाए चैनल, तो फिर असीं इंशाल्लाह ताला गुजारिश है साडी के साडे वीडियो नूं लाइक ते फॉलो करिया करो, सबसक्राइब करिया करो, मेहरबानी, थैंक यू। लो जी, रजब साहब दी रिक्वेस्ट उत्ते मैं उम्मीद करना तुसीं गौर करोगे इंशाल्लाह ताला, ते अपना ते अपने चाहण वालिआं दा, अपने इर्द गिर्द रहण वालिआं दा, अपने प्यारिआं दा बहुत सारा ख्याल रखियो, तो सानू भी दुआवां च याद रखियो, तो सानू दिओ इजाज़त, तो तुहाडे नाल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला बशरते ज़िंदगी नैक्सट वीडियो विच। अल्लाह हाफिज़।